तो गाइस शुभम राणा का हो चुका है रिश्ता और आज होगी पार्टी। शुभम कॉन्ग्रेचुलेशन, देखते हैं ये तो चला और विकेट यहाँ पर अपना टीम जीतेगी जब तक प्रकाश और संदीप रहेंगे। हमें विश्वास है, आपको विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल भी इस मैच की वजह से ना यार बहुत हंगामा हो गया था। क्रेज देखो लौंडों का, स्कूल के कपड़े चेंज भी नहीं किए, घर वहाँ है वो देखो। और वहाँ जय श्री राम, ये है मैं दो और भाई माहौल ना भाई तो धड़कन है ना। अगर हम हारते तो मैं सर 4-5 दुकान में नहीं जाता कसम से। श्रीलंका के खिलाफ हो तो खुशी और दुगनी होगी भाई। आज के मैन ऑफ द मैच ओम प्रकाश राणा जी, देहरादून से फोन करके बुलाया और साथ में चम्बा था गाड़ी भेजी भाई जिस लेवल का माहौल था ना आज का। फाइनल में क्या इन्होंने प्रवेश, भाई ये देखो भाई ये क्या स्कूल ड्रेस भी चेंज नहीं करी बंदों ने, पहले ही आ गए थे। बट ये राइट बॉल पहली बॉल वाइड, इधर आ जरा, तूने विकेट क्यों दिया अपना? अरे यार वो पैर से बोल। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए व्लॉग। आज आप लोगों को बता दो यस भाई जा रहे हैं आज जॉब करने एंड इनके एचआर का इनको फोन आया एंड शायद देहरादून से आसपास ही कहीं तो मेरा भी मिलना जुलना हो जाएगा। वैसे मेरा भी मन यस भाई जा चुके हैं एंड तो गाइस आज का फाइनल, आज का सेमीफाइनल मैच देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमने ट्रॉफीज वगैरह ले ली है, कल फाइनल है तो कल ट्रॉफीज वगैरह ले ली। आज मैच सिलोड़ा वर्सेस खुरमोला यानी हमारा और भाई कौन जीतता है ये सबसे बड़ा क्रेज रहेगा। तो बाकी हमने सारी ट्रॉफियां ले ली है। तो गाइस सिलोड़ा टीम ने दिया है भैया सलून का टारगेट। यार एक्चुअली ना मैं घर पे था नहीं तो मैं कैसे कर, मैंने मैच देख नहीं पाया अभी और हम लोग गाँव से आप लोगों को दिखा देता ट्रॉफी के लिए हम गए हुए थे। तो ये देखो ये प्रकाश राणा, यही एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन पर मतलब सबसे ज्यादा नजरें रहेगी आज। तो आज का मैच भाई नेक्स्ट लेवल का होने वाला। प्रकाश राणा ने पहली ही बार जो है गेंद यहां पे पहुंचा दिया। चलो देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। ये बॉल सही है, 82 का टारगेट है 82 का, देखते हैं क्या होता है। तो चलो देखते हैं, देखो गाइस यहां पर जो है कैच ना हो जाए कहीं। राहुल फालतू नहीं भागना फालतू। गाइस देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। ये देखो गाइस गेंद यहीं आ गई है पूरी। तो दादाजी क्या कहना है आज के बारे में, आज के मैच के बारे में, किसका किसका पलड़ा भारी लग रहा है? जब तक अर्जुन ओम प्रकाश क्रीज पर रहेंगे मैं नहीं मानता खुरमोला टीम हार गई, लेकिन मैच है कुछ हो सकता है। अगर यहाँ से ओम प्रकाश की विकेट मिलती है तो मैच का टर्निंग पॉइंट बदल सकता है। फिलहाल पलड़ा 80% खुरमोला का भारी। अभी विकेट चला गया एक, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सिर्फ टीम को स्टार अच्छा नहीं मिला है जिसके कारण कि ओम प्रकाश ने बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ अंदाजी बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने माइंड में सेट कर रखा था कि 82 रन का टारगेट है, हमें 9-8 रन प्रति ओवर चाहिए। ओम प्रकाश ने वो दबाव सिरोड़ के गेंदबाजों के ऊपर बनाया। हाँ तो नए बल्लेबाज आए अब संदीप राणा, देखते हैं भाई यहाँ पर 28 रन हो गए, चौथा ओवर चल रहा है, कौन जीतता है भाई? आज का मैच बहुत तगड़ा होने वाला क्योंकि कल भी इस मैच की वजह से ना यार बहुत हंगामा हो गया था, बट अभी पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पर अभी कैच छूट गया है भाई, जोरदार ताली हो जाए एक बार। 5 ओवर में हो गए 41 और अब चाहिए 5 में 41। क्या हाल है चाची? बढ़िया बेटा, क्या कहना है आज के मैच के बारे में? आज का ये घंडियाल धर में बहुत बढ़िया रोमांचक का मुकाबला है, सेमीफाइनल का मैच है सिलोड़ा और खुरमोला ए टीम के बीच। और अभी 30 गेंदे बाकी है और 41 रन खुरमोला टीम को बनाने। अब देखते हैं जब तक क्रीज में संदीप राणा और प्रकाश राणा है क्या कुछ कर पाएंगे अपनी खुरमोला टीम के लिए। जरूर जीतेगी जब तक प्रकाश और संदीप रहेंगे, हमें विश्वास है, आपको विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल आगे क्राउड मतलब पूरा का पूरा क्राउड खुश हो रखा है भाई, आज का तो माहौल ही तगड़ा है। तो अभी इस गेंद को देख लेते हैं फिलहाल। तो ओ भाई बहुत बढ़िया शॉट आज तो संदीप, ए बुड्ढे जवान जवान सब नहीं आ, सब में आज जवानियां रखी है। चलो इस बॉल को भी क्यों मिस करें, इसको भी दिखा देते हैं। तो चलो दिखाते हैं इस बॉल को भी क्या होता है इस पर। ये भी सही गेंद है यार, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो संदीप मार ही नहीं रहा है और जब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो भाई बॉल ना ऊपर पहुंचा रहा है वो। तो कही जी गेंद है यहाँ पर, बोल्ड हो गया इसमें 26 20 में 26 देखते हैं।
20 में चाहिए 26। वेरी गुड चौका। 19 में चाहिए 22 रन। लगभग जीत चुकी है खुरमुला टीम, बट भाई ये मैच है, यहाँ पर 12 में भी 9 नहीं बन रहे थे, बट देखते हैं अभी भी। तो भाई ये देखो भाई माहौल कुछ इस तरह का है। किस बॉल पर है चौक, और अब चाहिए 16 में 18 रन। 16 में चाहिए 18, 16 में चाहिए 18, ये बढ़िया बॉल। अब चाहिए 15 में 18। व्हाइट बॉल, अब चाहिए 15 में 17। देखते हैं, ओ भाई गोल्ड मार दिया। अब चाहिए 14 में 17 और मेन खिलाड़ी आउट। भाई यहाँ पर धड़कने जो है बढ़ जाएगी। हमें चाहिए 17 और 5 विकेट गवा दिए खुरमुला टीम ने। अपना मेन बल्लेबाज भी गवा दिया है, पर फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है। अब चाहिए 14 में 17। शाबाश, अब चाहिए 13 में 16। कैच आएगा, कैच। अब चाहिए 12 में 16। और संदीप 12 बॉल पे 16 रन बाए हैं। संदीप का मुंह देखो, 12 में चाहिए 16। 12 में चाहिए 16। तो ये पहली बॉल और वाइड बॉल। अब चाहिए 12 में 15 रन। भाई क्या होगा, ग्यारह में चाहिए पंद्रह। बट खेलने वाला नहीं है भाई खुरमुला टीम के पास, कोई देखते हैं। शाबाश, निकल ले, तेज भाग। दो रन यहाँ पर आ चुके हैं, 10 में चाहिए 13। और विकेट यहाँ पर अब चाहिए 9 में चाहिए 13। 9 में चाहिए 13 रन। शाबाश, 9 में चाहिए 12 रन। ये वाइट बॉल है, 9 में चाहिए 12 रन। भाई ये देखो भाई क्राउड कैसा कर रहा है। 9 में चाहिए 12। तो गाइस 8 में चाहिए 12। वाइट बॉल, 8 में चाहिए 11 रन। भाई धड़कने रुक गई है सबकी यार, ये देखो भाई। सात में 12 कम से कम 1 रन तो आ जाएगा। 7 में चाहिए 10 रन। संदीप एक चौका मार दे यार। 7 में चाहिए 10 रन। 7 में चाहिए 9। कोई भी जीते, मजा तो बहुत आ गया भाई। 6 पे 8 होगा। 4 रन मार दे भाई इस पे। 7 में चाहिए 9 रन। 7 में चाहिए 9 रन। अब चाहिए 7 में 8 रन। 7 में चाहिए 8 रन। बुड्ढे सभी आ रखे। 7 में 8। 7 में ओहो, एक और वाइड बोले। यार ये क्या हो गया, अभी देखते हैं। ये तो चला। तो अंपायर डिसीजन लेगा अभी, क्या है ये। तो गाइस शुभम राणा का हो चुका है रिश्ता और आज होगी पार्टी। शुभम कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर मैच के बीच में एक और ट्विस्ट, वाइड बॉल है भाई। देखो भाई धड़कने रुक गई इस मैच को देखकर, मतलब भाई ये देखो भाई।
एक वाइट बॉल है, वाइट बॉल चाहिए। सात गेंदों में सात रन। क्रेज देखो लौंडों का, स्कूल के कपड़े चेंज भी नहीं किए, घर वहाँ है वो देखो, और वहाँ से आगे भाई मैच खेलने। ये मैच तो भाई बहुत लाजवाब होने वाला है। सात में चाहिए सात रन भाई, उतना उस मोड़ पर आ गए। और सात विकेट शायद प्रमोला टीम ने खो दी, छह या सात विकेट खो देंगे वो, छोड़ो। शाबाश। और यहाँ पर जो है तो तेज तो भाग गया लड़का, और यहाँ पर दो रन हो गए हैं। अब चाहिए छह में पांच रन, छह में पांच रन, छह में चाहिए पांच रन। ये देखो भाई, ये देखो, छह में चाहिए पांच रन। छह में चाहिए पांच रन। ये देखो गाइस, छह में चाहिए पांच रन। हाँ, कैसा फील हो रहा है? छह में चाहिए पांच रन, छह में चाहिए पांच रन। भाई देखो भाई, क्या मजा आ रहा है भाई आज के मैच में। ये बहुत सही होने वाला है। जय श्री राम, आज मैच हमारा, जय श्री राम। ये माय बॉय। छह में पांच, छह में पांच। पंडे इधर आजरा, तूने विकेट क्यों दिया अपना? अरे यार वो पैर से बोल। गाइस छह में चाहिए पांच, छह में चाहिए पांच। क्राउड बड़ा जबरदस्त। भाई मैच उस मोड़ पे आ गए ना। और ये हमारे छह में पांच वाइड बॉल, पहली बॉल वाइड। और यहाँ पर एक रन और एक्स्ट्रा आ गया है। और यहाँ पर आए हैं अभी तीन रन आए हैं। छह में चाहिए दो रन। भाई यार मैच कहाँ आ गया भाई। छह में चाहिए दो रन। छह में चाहिए दो रन। ये भैंस भी आ गई है बीच में। हाँ संदीप, छह में दो रन। और भाई माहौल ना भाई, जो धड़कन है ना, ये स्कोरर है, इसको लिखा है। अब देखते हैं, ये देखो गाइस, छह में दो, ओनली सिक्स बॉल नीडेड टू रन। दो तो वाइड ही डाल देगा भाई बंदा। ओ भाई यहाँ पर शायद ये विनिंग रन निकल गया है, और इसी के साथ प्रमोला टीम जीतती हुई और फाइनल में किया इन्होंने प्रवेश। भाई ये देखो भाई, ये क्या हो गया भाई। भाई माहौल लेवल लायक है भाई। चाचा जी आज आपको मैन ऑफ द मैच मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल इंटरव्यू होगा अब तो। भाई माहौल देखो भाई, माहौल। सिलोड़ा टीम निराश हार चुकी है भाई। ये देखो भाई, मजा आ गया भाई आज के मैच में तो। और भाई ऊपर भी क्राउड फुल था भाई, आज जबरदस्त था आज का क्राउड तो। स्कूल ड्रेस भी चेंज नहीं करी भाई, लॉन्डन ने पहले ही आ गए थे। और प्रकाश राणा जो कि मैन ऑफ द मैच रहे आज के मैच के, एंड फाइनल में पहुंची ये टीम। इनको पता है कि यहाँ तक आने में कितनी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है भाई इन्होंने तो। बट मजा आ गया भाई। और विनिंग रन जिनके बल्ले से निकला है उनको भी मिला लेते हैं। विनिंग रन निकला आपके बल्ले से, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। एंड ये देखो भाई, ये चेक करने लायक है, हाथ कांप रहे हैं भाई आज तो। वो तो काम ही नहीं कर रहा भाई। ये देखने लायक था भाई इस मैच के लिए प्रकाश रावण भाई जिस लेवल का माहौल बना बहुत तगड़ा सिखाने लायक। कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। तो गाइस आज के मैन ऑफ द मैच ओम प्रकाश राणा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। तो भाई कल का जो मैच होगा ना उसमें मजा आएगा। जीत का श्रेय मैं विजय पाल राणा को देना चाहता हूँ। अच्छा, इन्होंने मेरे को देहरादून से फोन करके बुलाया है। हाँ, साथ में चंबा तक गाड़ी भेजी संजय राणा के हाथ, तो इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और इसलिए हमारी टीम फाइनल पहुँच गई। अब हम कल इस ग्राउंड में घंटालधार में वो खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे मट्टी के साथ। 2010 के बाद काफी समय के बाद मैं आज मैच खेल रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू मैच के लिए। चलो मिलते हैं कल। कल मिलते हैं। बहुत मजा आया भाई। ये चेक करो भाई। और संदीप राणा आपने भी 8 रन बनाया, आपका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा।
तो भाई ये मैच ना भाई देखने लायक था। के खिलाफ हो तो खुशी और दुखनी होती है। के मैच के बारे में आपको जी, आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहिए आपको? मैं तो इस समय इतना खुश हूँ कि मेरे को दिल धड़क रहा है। अगर हम हारते हाँ तो मैं शायद 4-5 दिन दुकान में नहीं जाता, कसम से। इतना दर्द हो रहा था दिल में, सही में। ये मैं थोड़ा चूक हो गई तो मैं 4-5 दिन मैं तो सीधा घर जाता, दुकान क्यों नहीं जाता। लेकिन अब इतनी खुशी है प्रियांशु, दुकान में जाऊंगा, सब लोगों की पार्टी करूंगा। और उससे भी बड़ी खुशी, बड़ी दुगुनी खुशी कल होगी, क्योंकि मट्टी टीम ने हमें क्वार्टर फाइनल में हराया था। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हराया था हमारी बी वर्ल्ड टीम को। अभी हमारी ए टीम है, हमारे पास क्या है, बदला देने का भी सुनहरा मौका है और सीरीज जीतने का भी बहुत अच्छा और अच्छा दिन है। और शनिवार का सीरीज वगैरह भी हमने ला दी, उसकी भी मैंने वीडियो दिखा दी है, विद प्रिंस दिख, विद प्रिंस प्रिंस है। उसको आप लोग जो इसका बटन है उसको दबाएं, लाइक शेयर जरूर करें। और कल का मैच में हम बड़ा वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल। प्रियांशु राणा हमारे साथ दिन भर लाइव रहेंगे, हमारे प्रधान जी महिला मंगल दल के अध्यक्ष रहेंगे, हमारे उपाध्यक्ष, प्रधान उपाध्यक्ष, जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत राकेश राणा जी और गांव के तमाम सभी ग्रामवासी, अड़ोसी पड़ोसी, आजू बाजू से सब लोग कल फाइनल देखने आएंगे। आप लोगों के साथ हम दोबारा इस चैनल पर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस यार, आज की वीडियो अभी मेरे को एडिट भी करनी है और वीडियो अपलोड भी करनी है। तो भाई अभी तो मतलब ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा, यहाँ से मैं दूसरा ब्लॉग अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल कर देना सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और कल का मैच भी देखना भी बाकी है, सही है। अगर हम हार भी जाते तो हम हार को स्वीकार कर लेते, क्योंकि हार को स्वीकार करना पड़ता है यार, सभी को करना पड़ता है, ये क्रिकेट है। बट चैनल पर नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है भाई हमारे जुनून के लिए। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।